good morning students we are doing about chapter number 5 natural resources and we have read about the classification of resources and definitions of resources now its topic is uses of natural resources where the, the natural resources are used in our life there are many uses of natural resources as you can see the resource of water here dam is produce electricity and petroleum is used in the mostly industries to run run out the machines and here is the solar energy and the wind energy the uses of natural resources are first of

और ये एनर्जी और फ्यूल जो हैं ये हमें नेचुरल रिसोर्सिस से अचीव होते हैं मिलते हैं द सेकेंड यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सिज मोस्ट ऑफ द थिंग वी यूज इन डेली लाइफ इन एवरी लाइफ एवरी डे लाइफ आर डिराव फ्राम द नेचुरल रिसोर्सिस फॉर एग्जाम्पल अगर आप मिल्क लेते हो दैट इज ऑल्सो नेचुरल रिसोर्सिस इफ एनी बडी ईट एग्स दैट इज ऑल्सो फ्रॉम गेट वी गेट फ्रॉम द Animals and animals is also a natural resources. Next, vegetables, milk, vegetables. Here is the examples and woods. These are also natural resources. Uh, milk, jo hai, we get from cows, and animals are a natural resources. Vegetables we get from the plants, and plants are natural resources. Wood that we get from the trees that are natural resources. वी बिल्ड हाउसेस बनाते हैं पेपर्स मेक करते हैं फायर प्लेसिस यूज करते हैं या फायर के लिए जो वुड यूज करते हैं दैट इज ऑल्सो नेचुरल रिसोर्सेज एंड इन द स्टोव फॉर कुकिंग जो वुड है वो किस चीज़ के लिए यूज होती है पेपर मेकिंग के लिए हाउस बनाने के लिए फर्नीचर्स बनाने के लिए जैसे आपके घर में आपने कभी देखे होंगे कि वुड से कितना कुछ जो है काम किया जाता है डोर बनाए जाते हैं विंडो बनाई जाती हैं, फर्नीचर्स बनाए जाते हैं है, इवन शोपीस भी बनाए जाते हैं और फॉर कुकिंग के लिए भी आज कई रूरल एरियाज में जो है वुड यूज की जाती है थर्ड वन इज वाटर फ्रॉम द रिवर्स रिवर्स से जो वाटर फ्लो होता है उसमें डैम बनाकर जो है इलेक्ट्रिसिटी एज अ इलेक्ट्रिसिटी यूज की जाती है और साथ में साथ क्या है डैम बनाकर जो एरिया जो बैक साइड एरिया होता है डैम का उसे एज ए लेक उसे लेक भी यूज किया जाता है फॉर द एंटरटेनमेंट और फिशिंग और आपने कभी लेक में बोटिंग की होगी तो एज ए आपको होगी किन को ट्रेवल एज ए ट्रेवलर पॉइंट भी बनाया जाता है फॉर एंटरटेनमेंट राइट नाउ यू कैन डिफाइन द यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सिस बट सम नेचुरल ने कैन बी यूज डायरेक्टली यूज कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल वुड ले लो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो विंड है डायरेक्ट यूज कर सकते हो वॉटर है वो डायरेक्ट यूज कर सकते हो बट सम रिसोर्सेज आर देयर दैट कुड नॉट बी यूज डायरेक्टली एग्जाम्पल्स कौन से हैं सम मीनस आर सेपरेटेड फ्रॉम देअर और उनसे अलग किया जाता है जहाँ से वो मिलते हैं एंड दे कैन बी यूज बाय फॉर एग्जाम्पल पेट्रोलियम इज टेकन आउट फ्रॉम द आर्ट से निकाला जाता है क्रूड फॉर्म में निकाला जाता है मीन्स रिफाइंड नहीं होता फिर उसे रिफाइंड किया जाता है और देन उसे फॉर व्हीकल और अदर एक्टिविटीज के लिए यूज किया जाता है इट इज रिफाइंड एंड कन्वर्टेड इनटू किस में कन्वर्ट किया जाता है पेट्रोलियम को पेट्रोल में केरोसिन में डीजल में और अदर प्रोडक्ट्स में इसे रिफाइन करके कन्वर्ट कर दिया जाता है ताकि इसे ह्यूमन बीइंग जो है यूज कर सके फॉर देयर पर्पस इट इज दीज रिफाइंड प्रोडक्ट्स दैट आर यूज्ड इन हाउसेस में इंडस्ट्रीज में वहीकल्स में यूज किया जाता है अब आप कहोगे कि ये जो रिसोर्सेज हैं ये कभी तो खत्म होंगे ना जो दोबारा प्रोड्यूस नहीं कर सकते जो नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। हमने डिफ्रेंशिएट किया था, था ना नॉन रेनुअबल रिसोर्सेज को तो इन रिसोर्सेज को बनने में लॉन्ग टर्म लगता है लॉन्ग टाइम लगता है तो कैन वी गिव एन एग्जाम्पल टू शो द यूजेज ऑफ पेट्रोलियम इन अवर डे टू डे लाइफ ये आप मुझे बताओगे एंड द नेक्स्ट इज ड्यू टू द रैपिड राइज इन पॉपुलेशन पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा इंक्रीज पॉपुलेशन पॉपुलेशन जो है रैपिडली इंक्रीज हो रही है बहुत तेजी से जो है वो इंक्रीज हो रही है बढ़ रही है तो नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो तो लिमिटेड क्वांटिटीज़ में हैं सो वी हैव टू यूज दीज नेचुरल रिसोर्सेज इन लिमिटेड फॉर्म हमें इनको लिमिटेड फॉर्म में यूज करना चाहिए नेचुरल रिसोर्सेज आर बींग यूज इन लार्ज क्वांटिटी बट बहुत तेजी से यूज हो रहे हैं इन रिसोर्सिस को तेजी से यूज किया जा रहा है रिसर्च इज बी कंडक्टेड बाय द साइंटिस्ट बट कोई साइंटिस्ट ने ऐसा फॉर्मूला uh, निकाला मीन्स ऐसा तरीका निकाला कि जो रिसोर्सिस बहुत जल्दी से खत्म हो रहे हैं उनको यूज ना करके कुछ ऐसे रिसोर्सिस बनाए जाए जो हमारी बेसिक नीड्स को भी कम पूरा कर दे और खत्म भी ना हो लाइक हेयर इज द एग्जाम्पल सोलर पैनल्स सन रेज जो है वो तो अर्थ पर आती रहेंगी ना इसीलिए सोलर पैनल जो बनाए जाते हैं दे यूज टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी एंड विंड मिल्स ऑल्सो यूज टू जनरेट इलेक्ट्रि इलेक्ट्रिसिटी एंड टर्बाइन को चलाने में भी इनकी एनर्जी का यूज किया जाता है सो सोलर एनर्जी इज वन ऑफ द सच सोलर सर सो ऑफ एनर्जी इट इज राइटली डिस्क्राइब एज द रिसोर्स ऑफ द फ्यूचर फ्यूचर के लिए इन चीजों को एजोर्स माना गया है बिकॉज सनरेज जो है वो इन फ्यूचर भी रहेंगी एंड विंड जो है वो ग्लो भी करेगी इन फ्यूचर बट अदर रिसोर्सिस नॉन रेन्यूएबल मोस्ट ऑफ द रिसोर्सिस फिनिश्ड खत्म हो जाएंगे इन इंडिया अ बायोगैस प्लांट्स लगाए जा रहे हैं जगह जगह पर जिससे वो हमें जो है पावर देंगे हमें फ्यूल प्रोवाइड करेंगे बायोगैस प्लांट्स जो लगाए गए हैं किस चीज के लिए कुकिंग के लिए रिसर्च इज बींग ऐसी रिसर्च की जा रही है जो सोलर एनर्जी कैन बी यूज फॉर द डिफरेंट एप्लीकेशन की सोलर एनर्जी को किस तरह है? सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी में ही नहीं अदर एप्लीकेशंस में भी इनको यूज किया जा सके जैसे विंड है वो यूज किया जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी बनाने में और टर्बाइंस को विंड uh, मिल्स को चलाने में wind को चलाने में दिजनेस इज प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं वो बिजनेस बहुत तेज गति से बहुत ग्रोइंग कर रहे हैं बहुत तेजी फास्टली ग्रोइंग कर रहे हैं सोन विंड फार्म रिप्लेस ऐसा कहा जाता है साइंटिस्ट कहते हैं कि जल्दी ही जो ये विंड एनर्जी बनाने वाले फार्म है ना ये जो है इन जगह इन चीजों को जो कोल है ओल है ऑयल है गैस पावर्स हैं इनको बदल देंगे यानी इनकी जगह ले लेंगे लोग जो है फ्यूचर में विंड एनर्जी और सन एनर्जी सोलर पैनल्स को यूज करने लगेंगे इन फ्यूचर्स ठीक है आई थिंक यू हैव क्लियर अबाउट द यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड अदर टाइप ऑफ रिसोर्सेज uh like solar energy non -ener uh, sorry uh, next we will read in the next video that is conservation of natural resources so thank you students have a nice day